नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृ दोष है, एक रुपए कमाते हो सवा रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है, घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ चौथा बीमार पड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृ दोष का वर्णन है। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृ दोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते, अब एक काम और करके देख, एक काम और करके देख लो, जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारक के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग डेढ़ महीना आप कम से कम 45 दिन डेढ़ एक महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शिवलिंग शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहाँ तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, संडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहाँ रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जा रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना आरती उतारने के बाद, उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो, केवल डेढ़ महीना कर देखना, डेढ़ महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करती है, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है, खर्चा है क्या, ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या, रोज आरती करते हो, करते हो रोज आरती, बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृ दोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृ दोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है, तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहाँ पितरों का स्थान, जहाँ पितरों का स्थान। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी परी तीनू बाबा तू ना दो, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा के समर्पण, एक दीप भी हमको फल दे जाता है।